नाज़रीन सिटी टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तमाम लोगों ने, तमाम मुख्तलिफ जमातों ने टीआरएस हुकूमत पे तोहमतें लगाई कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज सेक्रेटेरिएट में मस्जिद ज़ेरे तामीर है, बहुत बेहतरीन मस्जिद बन रही है। इसी का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और उनके साथ हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मसीउल्ला चेयरमैन वक्फ बोर्ड शकील, बोधन एमएलए एमएलसी फारूक के अलावा दीगर टीआरएस के कायदीन मौजूद थे। तमाम जायज़ा लेने के बाद मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसके सारे तफासिल को बयान किया। पूरे डिपार्टमेंट आपके सब वो जो चैन है ना सब झूमर का सारे लोगों को एक साथ देखने वाले सीएम साहब है। हम मस्जिद के अंदर टोटली सनराइज एसी बनाएंगे मस्जिद, और बहुत अच्छे पैमाने पर उसका जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया बहुत एकदम हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया गया, ताकि आने वाले 100 साल तक भी उसे धक्का ना लगे। ये हमारे सीएम साहब का हमेशा उनका एम रहा है, जो काम करते हैं उसका एसी होना चाहिए, जो 100 ईयर्स तक उसे कोई प्रॉब्लम ना हो उस तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, उसके लिए सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम हमारे लोगों को, खासतौर से हिंदू मुस्लिम सिख, खासतौर से क्रिश्चन भाइयों को और मुस्लिम भाइयों के लिए, खासतौर से बहुत से लोग अपोजिशन के उल्टे पुलटे बातें कर रहे थे, आ कभी मस्जिद बनेगी क्या, नहीं बनेगी, कैसा बन सकती। आज जो मस्जिद देखने के बाद सारे लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, और इंशाल्लाह इनॉग्रेशन के लिए सबको बुलाया जाएगा, और बहुत आले पैमाने पर तीनों का इनॉग्रेशन किया जाएगा। ये हमारा कल्चर है गंगा जमुना तहसील के, और मस्जिद जो बनाई गई उसका जो डिजाइन है बहुत शानदार है, यकीनन इसी तरह बनना चाहिए। सीएम साहब एक ही बात कहते, जिस तरह मैं सेक्रेटरी बना रहा हूँ, जिस तरह अम्बेडकर स्टैचू है वहाँ का एटमोसफियर है, उसी तरह मस्जिद और कभी इसी तरह होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा मस्जिद बनना चाहिए, और उसी तरह उन्होंने फंड भी दिया है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सीएम साहब का। और मुझे यकीन है कि एक ही सीएम इंडिया में जो कहते हैं वो करके बताते हैं, वही है तुम्हारे केसीआर साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, मीडिया में आऊंगा, शुक्रिया, थैंक यू।